नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर भोपा आए हुए हैं सचिन भाई की शॉप पे। ठीक है जी, तो हमारे सामने जनरेटर पड़ा जी, बिल्कुल जो है बिना कंप्लीट। ठीक है जी भाई, इसके नीचे फ्रेम वगैरह पहिए सही अभी कुछ नहीं है, सिर्फ इंजन है और जनरेटर सेट है। ठीक है जी, तो भाई दो जनरेटर सेट हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वे दोस्तों दोनों जनरेटर सेट बिक चुके हैं। ठीक है जी, अगर किसी भाई को और चाहते हो तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सिस्टम जो लगा हुआ है वह है चौक वाला ऑटोमेटिक, चाबी बंद करते ही अपने आप जो है जनरेटर सेट बंद हो जाएगा। ठीक है जी, चाबी से स्टार्ट करो और चाबी का स्विच काट दो और अपने आप ही जनरेटर सेट बंद हो जाएगा, कोई आपको चौक खींचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें जो है काफ़ी बढ़िया जिसने फीचर लगा रखा है, बहुत ही अच्छा लगा रखा है। तो देखिए इनकी हालत देख लो एक बार, काफ़ी ख़राब है। ठीक है जी, तो इनमें इंजनों में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी भाई, किसी का हाफ इंजन होगा या किसी का पूरा इंजन होगा। तो सचिन भाई खुद ही सारा कुछ करते हैं, पंप में सेल्फ लगे हुए हैं, कंप्लीट है वैसे तो, मतलब अभी वायरिंग ये देखो कटी पड़ी है सारी, तो सारी वायरिंग नवी डलेंगी। ठीक है जी, तो इसमें जो है तेल वाला वो नहीं है आपके पास, टैंक कह देते हैं जिसे, टैंकी वो नहीं है इसमें, तो सारी सचिन भाई अपने आप कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए ये है रेजिरेटर के हाल देख लो, सारा भाई केले इसका जो है आइटम खोल लेंगे, साफ करेंगे और पेंट अपना खुद नया लगावेंगे, कंपनी का पेंट करके सारा कंप्लीट खुद ही अपने हाथ से खुद ही तैयार करेंगे, और खुद ही इंजन वगैरह अगर इंजन करना होगा तो इंजन करेंगे, हाफ करना हो हाफ करेंगे, पंप करवा के लाएंगे मुजफ्फरनगर से। ठीक है जी, तो देखो तीन सिलेंडर इंजन ये है, तीन ही वो है और तीन ही सिलेंडर पहले थे दोस्तों, एक उसमें जनरेटर था अपना टर्बो वाला, तो ये नॉन टर्बो है दोनों के दोनों। ठीक है जी, तो इनमें ये काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, ये देखिए ये सिस्टम भाई मेरी समझ से बाहर है क्या क्या लगा हुआ है इसमें, लेकिन जितनी जानकारी थी हमने बता दी कि इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है वो चौक वाला है, ऑटोमेटिक चाबी काटते ही जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है, ट्रैक्टरों में भी लगवाना चाहिए काफ़ी मेरे दोस्तों मेरे हिसाब से, कि चौक खींचने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्विच काट दो। ठीक है जी, चाबी तो अपने आप ही ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, वही सिस्टम इसमें है। ठीक है जी, चौक खींचने की ज़रूरत नहीं है, चाबी काट दो स्विच और जनरेटर सेट आपका बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो जनरेटर सेट भी बढ़िया है, फिलहाल भाई यहाँ पे है नहीं, वे कहीं गए हुए हैं। तो ये देखो जी अंदर सिस्टम इसका, दोनों दो फेस में है, अर्थ और फेस। ठीक है जी, ऐसे ही वो है, तो 25 केवी के होंगे शायद ये जनरेटर सेट, हम देखें इस पे लिखा हुआ भी होगा। तो ये 15 किलोवाट का है दोस्तों जनरेटर जो है इसका। ठीक है जी, तो ये जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंजन है। ठीक है जी, जनरेटर सेट इस पे कुछ दे नहीं रखा शायद, कि कौन सी कंपनी का है ये, और इस पे भी देखेंगे भाई, यो क्रॉम्पटन का है दोस्तों, ये जनरेटर सेट अच्छा है क्रॉम्पटन का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंजन है। ठीक है जी, तो भाई किसी मेरे भाई को चाहता हो, ठीक है जी, लेना हो किराए पे या खुद अपना, तो भाई सचिन भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी, मैसेज बॉक्स में, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करो या फ़ोन करो, आपको जनरेटर सेट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे जैसे ये जनरेटर सेट कंप्लीट होंगे हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, तो वीडियो आपको कैसा लगा मैसेज करके ज़रूर बताना, धन्यवाद दोस्तों।